डियर मेंबर्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो एट प्रॉफिट बाय। सो इतनी सारी डेवलपमेंट्स है, देर आर लिटरली सो मेनी पीसेस ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स ऑफ न्यूज, बट द वन थिंग दैट स्टूड आउट विच टेल्स ऑल ऑफ अस दैट इवन दो ट्रैवल बढ़ रहा है इंडिया में और बहुत क्रेजी लेवल पे बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों मिला के, इंडिगो एयरलाइंस विच आई एम नेवर, मतलब मेरे को कभी भी वो एयरलाइन बिजनेस एज अ बिजनेस नहीं समझ में आता है। मेरे को लगता है वो बस ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करने का ही धंधा है, क्योंकि इसमें मार्जिन कुछ था नहीं। बट इंडिगो आफ्टर 7 क्वार्टर्स ऑफ प्रॉफिट ये आपको लॉस दे रहा है। उसका रीजन क्या दिया है? मेंटेनेंस, लीजिंग एंड एयरपोर्ट चार्जेस हैव लेड टू अ स्पाइक इन कॉस्ट्स विच हैव आउटरन द रेवेन्यू ग्रोथ। कैपेसिटी एडिशन सपोज टू बी मॉडेस्ट। गाइज, सारे एयरलाइंस इंडिया में लॉस कर सकते हैं, स्पाइसजेट कर सकता है, एयर इंडिया के बारे में जितनी कम तारीफ करो उतनी ज्यादा है, बात ही मत करो। बट इंडिगो जो एक अकेला एयरलाइन था जो प्रॉफिटेबल था, अच्छा, उसकी आप कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा प्रॉफिट कहाँ से कमाती थी एयरलाइन। देर यूज टू बी दैट 300 साढ़े 300 रुपए वाला सैंडविच जो हर कॉर्पोरेट ट्रैवलर यूजुअली इंडिगो में फास्ट ट्रैवल में खरीद लेता था। द मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम इन द एयरलाइन वॉज एक्चुअली दैट स्मॉल सैंडविच, 300 रुपए का सैंडविच इन फ्लाइट। जब लॉस हो रहा है, 7 प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स के बाद लॉस हो रहा है, तो वो लॉस बहुत सारे रीजंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, लीजिंग कॉस्ट, डॉकिंग चार्जेस एयरपोर्ट के बढ़ गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। बट आई थिंक इस कहानी का एक दूसरा पहलू है, देर इज अ ट्विस्ट इन द इंडिगो स्टोरी। वॉट इज अ ट्विस्ट? दिस शोज यू दैट, अभी मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, द एयरलाइन पोस्टेड अ नेट लॉस ऑफ 987 करोड़ इन द 3 months दिस क्वार्टर, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, विथ अ नेट प्रॉफिट ऑफ 189 करोड़ इन दिस क्वार्टर लास्ट ईयर। मतलब इसी क्वार्टर में पिछले साल एक 189 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 987 करोड़ का लॉस हो गया। सी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही सिमिलर क्वार्टर है, ट्रैवल ट्रैवल का जो ट्रेंड है वो भी सिमिलर होगा, तो ऐसा कैसे हो गया जब एक ही क्वार्टर में लॉस? क्या कंपनी का मैनेजमेंट एथिकल नहीं है और पुराने लॉसेस को छुपा के अभी इस क्वार्टर में दिखा रहा है? बिकॉज दे माइट हैव सीन दैट, चलो अभी मौका मिला है तो लॉस दिखाओ। आई डोंट थिंक सो, ऐसा होना चाहिए। ऊपर से उन्होंने जो गाइडेंस दिया है, रेवेन्यू ग्रोथ इज लाइकली टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड इन Q3, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में भी वो ये नहीं कह रहे कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यू नो, सम कंपनीज के मैनेजमेंट बोलते हैं दिस इज अ ब्लिप, इट्स जस्ट अ फ्लैश इन द पैन, कुछ पुराने खर्चे, कुछ पुराने पुराने कलेश बाहर आ गए होंगे। बट नहीं, वो बोल रहे हैं ये सब चलता रहेगा। सो बेसिकली व्हेन इंडियाज बिगेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन सेज दैट हमको लॉस हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इसमें दो ही बातें हैं, अब इससे क्या इन्फर करें? एफएमसीजी कंपनीज लॉस कर रही है, एयरलाइन कंपनीज जो थी एक ही उम्मीद थी वो भी लॉस कर रही है। बाकी सब सेक्टर में आप देखो, आईटी एक ही उम्मीद था, वो बहुत फ्लैट ट्रेजिट्री में चल रहा है, विच इज ओके, बिलीव इट। बैंक्स में थोड़ा डिविजन, इंडसइंड बैंक, जो एक्सीडेंट इंडसइंड बैंक का हुआ, 20% निफ्टी का स्टॉक है वो पूरा निफ्टी को लेके नीचे गिरा है इंडसइंड बैंक। उसका वेटेज इतना नहीं है बट इंडसइंड बैंक 20% गिरता है, मतलब बैंक निफ्टी पे प्रेशर। हमारा फेवरेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी उस दिन आप देखो क्या लेवल पे आ गया है, बट इंडसइंड बैंक के नतीजे अच्छे नहीं थे। प्रॉब्लम क्या होता है, एवरी स्टॉक दैट फॉल्स 20% डज नॉट बिकम अ वैल्यू बाय, मतलब हर चीज जो गिरती है वैल्यू बाय नहीं होती। इसमें भी इंडिगो में आप देखोगे पब्लिक ने बहुत कमाया है, मेरे लिए, मेरे को ये सेक्टर समझ में नहीं आता तो इट वाज ऑलवेज रिस्की फॉर मी, बट पीपल हैव मेड मनी इन इंडिगो, तो अभी वो भर भर के शायद बेचेंगे भी, दे विल सेल ऑल्सो, दे क्लियर देयर इन्वेंट्री, वॉट एवर, मतलब स्टॉक इन्वेंट्री। इंडिगोज यूनिट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग फ्यूअल एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन इंक्रीज बाय अबाउट 22%। नाउ दिस इज एट अ पर यूनिट, यूनिट इकोनॉमिक्स में ये बहुत खराब चीज है। रेवेन्यू ग्रोथ शायद इसी वजह से प्रेशर में आ गई। और मैं जो दूसरी तरफ भी न्यूज देख रहा हूँ, सीमेंट कंपनीज प्रॉफिट नहीं बनाया, अल्ट्राटेक सीमेंट ने लॉस कब बनाया था भाई साहब? अल्ट्राटेक सीमेंट थी,
जेएसडब्ल्यू स्टील का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 85% गिर गया, जेएसडब्ल्यू स्टील। सो मोटा मोटा ब्रॉड पिक्चर ये है कि इकोनॉमी में दिक्कत है, ऐसी कहानी बनाई जा रही है, चाइना सस्ता हो गया है, एफआईएस बेच रहे हैं, ये तीनों रीजंस है। बट इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी स्ट्रांग है, लेकिन इट्स ओके, कम ऑन, आफ्टर अ लॉट ऑफ गुड क्वार्टर्स वी हैव हैड वन क्वार्टर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डैम्पनिंग, और मुझे अभी भी लग रहा है उसका मेन रीजन है, इकोनॉमी का जो मेन पुश ड्राइवर होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, जो 6 महीने पहले, 6 महीने 7 महीने हुआ ही नहीं ड्यू टू इलेक्शंस। पहले तो जनवरी में सब वो अयोध्या में चालू था उसके वजह से, और बाद में भी ड्यू टू द इलेक्शंस हुआ ही नहीं है। अब वो पिकअप होगा, सरकार को ध्यान आएगा कि मिडिल क्लास के टैक्सेस बढ़ाने के अलावा भी वो कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये पिकअप होगा तो अपने को थोड़ा देखने मिलेगा। बट लेट्स नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। प्राइवेट केपेक्स नहीं हो रहा है, सी द पॉइंट इज, सरकार ने सोचा था कि प्राइवेट कंपनीज को हम टैक्स में छूट देंगे, जो उन्होंने दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया 2019 में। उसके बाद लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर दी और लोन चुकाते गए, जिसके वजह से उनके प्रॉफिट नंबर्स अच्छे हैं, जिसके वजह से स्टॉक प्राइजेस अच्छे चल गए, लेकिन प्राइवेट केपेक्स इंडिया में नहीं हो रहा है। द बिगर प्रॉब्लम इज कोई फैक्ट्री लगा के एक्सपांशन अभी नहीं करना चाह रहा है दैट मच, वो सब सरकार के ऊपर डाल के टांग दे के, लिटरली सरकार पे, जैसे हम लोग कपड़े टांगते हैं ना सुखाने के लिए, इंडियंस आर नोन फॉर दैट, वैसे वो सरकार पे टांग दिया कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। बट एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज आर वेरी स्मार्ट। अभी एनवीडिया की जो डील हुई है रिलायंस के साथ, अच्छा है, इट्स गुड फॉर रिलायंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, लॉट ऑफ कंपनी। मुझे एक कंपनी अच्छी लग रही है जो मैं कहना चाहूंगा, एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो। नो रिकमेंडेशन, नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय और सेल रिकमेंडेशंस, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बट एलएनटी के मैं जितनी खबर सुनता हूँ, जितने उनके रिजल्ट्स आते हैं, अभी भी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डील बैक की है, बीच में वो एनटीपीसी का ऑर्डर ले गए 40,000 करोड़ का, नाउ दे हैव बैक्ड अ डील विद न्यू फ्यूजन प्रोजेक्ट डील, अप्रोक्सीमेटली ये 2500 करोड़ का। बट एल एन टी के ना अलग अलग डिविजन्स है, दे आर लाइक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, तो वो स्टॉक अगर गिरावट में कहीं मिले उसका एनालिसिस बाद में करेंगे, तो टू मच ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। अभी इंस्टेंटली मैं एक ही चीज कहूंगा, कुछ भी कूद के लेने लायक नहीं लगता है, लेकिन मार्केट में मौका आएगा बाय करने का, तो अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कब निफ्टी वो सपोर्ट ले। अच्छा, एक और चीज, निफ्टी को छोड़ के नॉन निफ्टी या जो निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स हैं उसमें भी सपोर्ट लेवल्स ट्रैक करना शुरू करना है, जो आपके कंफर्ट के स्टॉक है। जैसे मेरे लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कंफर्ट स्टॉक है, अंडर वैल्यूड है। एलएनटी अभी मैं डिटेल में देखूंगा, लार्सन एंड टुब्रो शायद ज्यादा कमा के ना दे, बट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ बैंक्स के रिजल्ट आएंगे इस वीकेंड, इट्स अ हैवी रिजल्ट सीजन, तो जहां एक तरफ इंडसइंड ने डिसअपॉइंट किया, आई एम श्योर एक्सिस थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे चुका है, अनदर वन इज गिवन गुड, आईडीएफसी फर्स्ट में थोड़ा प्रेशर आया होगा। सो बैंकिंग में प्लीज डोंट अज्यूम दैट सारे बैंक्स एक तरह के नतीजे होंगे, नो, प्राइवेट बैंक्स विल गिव यू बेटर, एंड आई थिंक अ लार्जर थीम गोइंग फर्दर आफ्टर द करेक्शन डिजॉल्व्स इज द प्राइवेट बैंक स्पेस, जिसमें दो या तीन स्टॉक्स ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।